हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच क्लास ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? सल्फोनिल यूरियाज, मिग्लिटिनाइड, मेटफॉर्मिन, थायजोलिडिन, डायोन। विच क्लास ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? इनमें से कौन सा ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग इंक्रीज कराता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? तो ये होता है मेटफॉर्मिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेटफॉर्मिन इंक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये मेटफॉर्मिन आता है बाइगोनाइड में। मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, ये होते हैं बायगोनाइड्स। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के बायगोनाइड क्लास में आता है मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। ये जो सल्फोनिल यूरियाज एंड बायगोनाइड्स होते हैं ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सिक्रीशन। सल्फोनिल यूरियाज एंड बायगोनाइड्स इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रीशन। देन फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज होते हैं टोलबुटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड। इनमें से क्लोरप्रोपामाइड होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया। एंड सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड। ये सभी होते हैं सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज। देन मिग्लिटिनाइड्स डेरिवेटिव्स होते हैं रेपाग्लिनाइड एंड नैटेग्लिनाइड। नैटेग्लिनाइड एंड रेपाग्लिनाइड होते हैं मिग्लिटिनाइड्स डेरिवेटिव। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन सिक्रीशन। देन थायाजोलिडिन डायोन्स में आते हैं पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन होते हैं थायाजोलिडिन डायोन्स। एंड इनमें ये जो मेटफॉर्मिन होता है ये डिक्रीज कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, देन ये डिक्रीज कराता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ये इंक्रीज कराता है ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज कराता है, ये रिड्यूस कराता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को। देन ये इन्हेंस कराता है इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज अपटेक को। मेटफॉर्मिन इन्हेंस इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज अपटेक एंड इट ऑल्सो इंटरफेयर्स विद पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस। विच एंटी डायबिटिक ड्रग कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस? तो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कराता है फेनफॉर्मिन। बायगोनाइड क्लास में जो आता है फेनफॉर्मिन वो कॉज कराता है लैक्टिक एसिडोसिस। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिडोसिस इज कॉज्ड बाय फेनफॉर्मिन। देन विच सल्फोनिल यूरिया इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस? सल्फोनिल यूरिया इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, तो ये होता है क्लोरप्रोपामाइड। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया जो होता है क्लोरप्रोपामाइड, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया जो होता है क्लोरप्रोपामाइड, उसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। देन विच ड्रग इंटरैक्ट्स विथ वैसोप्रेसिन? तो ये भी होता है क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड इंटरैक्ट्स विथ वैसोप्रेसिन। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है क्लोरप्रोपामाइड। एंड ये सल्फोनिल यूरियाज होते हैं पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स। सल्फोनिल यूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विथ क्लास 3 और 4 हार्ट फेलियर्स? कौन सा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन हार्ट फेलियर्स? तो ये होता है पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन। थायजोलिडिन डायोन्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन द पेशेंट्स विथ क्लास 3 और 4 हार्ट फेलियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी इज? नी, हिप, एंकल और एल्बो। द लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी, तो कौन सा होता है लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी? तो ये होता है हिप जॉइंट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हिप जॉइंट इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन द बॉडी। और हिप जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट में आता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट ये दोनों होते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स। देन नी जॉइंट आता है हिंज जॉइंट में। नी जॉइंट, देन एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सभी होते हैं हिंज जॉइंट। एंड ये सभी आते हैं सिनोवियल जॉइंट्स में। सिनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे थंब जॉइंट कौन से टाइप में आता है? तो थंब जॉइंट होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट होता है थंब जॉइंट। देन कोंडिलॉइड जॉइंट होता है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट होता है कोंडिलॉइड जॉइंट। देन ग्लाइडिंग जॉइंट में आते हैं कार्पल्स जॉइंट इन दी हैंड एंड टार्सल जॉइंट इन दी फुट। कार्पल्स एंड टार्सल जॉइंट्स आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which one of the following is the most likely positive sign of pregnancy when detected in urine? Estrogen, progesterone, human chorionic gonadotropin, corticotropic hormone. Which one of the following is the most likely positive sign of pregnancy when detected in urine? तो ये होता है HCG, human chorionic gonadotropin. Option C will be your correct answer. HCG is the most likely positive sign of pregnancy when detected in urine. देन ये estrogen and progesterone होते हैं female sex hormone और ये produce होते हैं ovaries से. देन प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होते हैं मिनी पिल्स कंटेन प्रोजेस्टेरॉन ओनली एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हैव टू बी टेकन कंटिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल हैव टू बी टेकन कंटिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. देन अभी आप मुझे बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन इज ए स्टराइल सोल्यूशन इन. प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन इज ए स्टराइल सोल्यूशन इन. तो ये होता है इथाइल ओलिएट. Progesterone injection is a sterile solution in ethyl oleate. Then injectable contraceptive कौन सा होता है? तो डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव. एंड प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेसेस ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन. प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेस कराता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ओनली ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट ऑल्सो डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन. ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज. नॉट ओनली ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट ऑल्सो डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन. तो ये होता है सुक्रोज. सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, सुक्रोज. एंड ये सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ये होता है स्वीटनिंग एजेंट. देन मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज. लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन HIV? लैमिवुडिन, नेविरापिन, अबेकावीर, टेनोफोवीर. ए नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो इनमें से कौन सा है नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? तो ये होता है नेविरापिन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेविरापिन, इफावीरेंस, डिलावर्डिन, ये सभी होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर. नेविरापिन, इफावीरेंस एंड डिलावर्डिन. देन एबेकावीर, साइटाराबिन, देन जिडोवुडिन, स्टैवुडिन, डिडेनोसाइन, ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर. NRTI में आते हैं जिडोवुडिन, स्टैवुडिन, डिडेनोसाइन, साइटाराबिन, एबेकावीर. अभी आप मुझे बताएंगे प्रोटीज इनिबिटर्स कौन से होते हैं? तो लोपिनावीर, सैक्विनावीर, इंडिनावीर, रिटोनावीर, ये आते हैं प्रोटीज इनिबिटर्स में. देन CCR5 इनिबिटर कौन सा होता है? CCR5 इनिबिटर, तो ये होता है मैराविरॉक. फ्यूजन इनिबिटर में क्या आता है? तो फ्यूजन इनिबिटर होता है इन्फ्लुवर्टाइड. इन्फ्लुवर्टाइड होता है फ्यूजन इनिबिटर. देन और एक क्लास आता है इंटरग्रेज इनिबिटर. इसमें आता है राल्टेग्राविर. राल्टेग्राविर होता है इंटरग्रेज इनिबिटर. और ये राल्टेग्राविर होता है ओरली एक्टिव ड्रग दैट इनिबिट्स द वायरल इंटरग्रेज एंजाइम. राल्टेग्राविर इज एन ओरली एक्टिव ड्रग दैट इनिबिट्स द वायरल इंटरग्रेज एंजाइम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Hyperdermolysis refers to which route of drug administration? Sublingual, intradermal, subcutaneous, intravenous. Hyperdermolysis refers to which route of drug administration? तो ये होता है subcutaneous route. Option C will be your correct answer. Hyperdermolysis refers to subcutaneous route of administration. And subcutaneous route से देते हैं insulin. Insulin का route of administration होता है subcutaneous. इसकी डेफिनेशन पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था. तो सबक्यूटेनियस होता है टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज टिश्यू अंडर द स्किन. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. सबक्यूटेनियस रूट होता है टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज टिश्यू अंडर द स्किन. और ये इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है. देन इंट्राडर्मली देते हैं BCG वैक्सीन को. BCG वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंट्राडर्मल. देन लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय IV रूट.
इंट्रावेनस रूट से देते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को, एंड आईवी रूट से इंट्रावेनस रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट कंट्रोल्स द एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स? ड्रग्स एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, पॉइजन्स एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। विच एक्ट कंट्रोल्स द एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स? तो ये होता है ड्रग्स एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग्स एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट कंट्रोल कराता है एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स। और अभी आप मुझे बताएंगे कब बना था ड्रग्स एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट? तो ड्रग्स एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1954। देन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1985 में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993। ये बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993। पॉइजन्स एक्ट कब बना था? तो 1919। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, एंड इसके रूल्स आए थे 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडवर्स इफेक्ट इज शोन बाय इथाक्राइनिक एसिड इन पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन? ऑक्युलर टॉक्सिसिटी, हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स, ओटोटॉक्सिसिटी, नेजल टॉक्सिसिटी। विच एडवर्स इफेक्ट इज शोन बाय इथाक्राइनिक एसिड इन पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन? तो इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन के पेशेंट्स में इथाक्राइनिक एसिड का एडवर्स इफेक्ट होता है ओटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओटोटॉक्सिसिटी इज शोन बाय इथाक्राइनिक एसिड इन पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन। और ये इथाक्राइनिक एसिड होता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन। ये होता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस ए लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन? विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन? तो ये कॉज कराता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइनोकोबालामाइन कॉजेस ए लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन, विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामाइन। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज कराता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थैल्मिया। विटामिन ए होता है रेटिनॉल, और ये कॉज कराता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थैल्मिया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थैल्मिया। एंड विटामिन ए इज द ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक, द ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए। देन विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कॉजेस स्कर्वी। विटामिन डी होता है कैल्सिट्रायोल, एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। ये चिल्ड्रेन में कॉज कराता है रिकेट्स, एंड एडल्ट्स में कॉज कराता है ऑस्टियोमलेशिया, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैल्सिट्रायोल। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स? विच इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स? तो ये होता है कैल्सिट्रायोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर रेगुलेटरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी इज? पैराथॉर्मोन, ट्राइआयोडोथायरोनिन, एड्रिनेलिन, विटामिन डी। मेजर रेगुलेटरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक ग्रोथ इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये होता है ट्राइआयोडोथायरोनिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्राइआयोडोथायरोनिन जो होता है T3, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी। मेटाबॉलिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायरॉइड हार्मोन जो होता है T3, ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड T4, थायरोक्सिन। ठीक है, देन ये पैराथॉर्मोन सिक्रेट होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से, एंड एड्रिनलिन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन आर सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। ये सिक्रेट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एंड मेडुला सिक्रेट करता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच हार्मोन इज यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर? विच हार्मोन इज यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर? तो ये होता है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन इज यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर। कैसे देते हैं एड्रिनलिन को इन ब्रोंकियल अस्थमा? तो इसे देते हैं सबक्यूटेनियसली,
लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एड्रेनालिन इज गिवन इन ब्रोंकियल एस्थमा सबक्यूटेनियसली। देन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज IM एड्रेनालिन, इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली देते हैं एड्रेनालिन को इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एड्रेनालिन पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एड्रेनालिन इज यूज्ड पेरेंटली इन 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन। 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं एड्रेनालिन को पेरेंटली। देने विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, इसका एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रायोल। मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स इज कैल्सीट्रायोल। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। देन विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी होता है विटामिन डी। विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी इज विटामिन डी। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायरॉयडिज्म कौन सा होता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये भी होता है विटामिन डी। विटामिन डी इज ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज विटामिन डी कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन दी बोन। विटामिन डी मेंटेन्स कैल्शियम लेवल विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन दी बोन, इसलिए इसे यूज करते हैं इन हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री इज एक्सिस, एटलास, अल्ना, रेडियस। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री इज एटलास एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्री इज एक्सिस। एक्सिस होता है सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्री एंड एटलास इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री एंड ये अल्ना एंड रेडियस होते हैं बोन्स ऑफ फोरआर्म। ठीक है, फोरआर्म के बोन होते हैं अल्ना एंड रेडियस। देन अभी आप मुझे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्री इन ह्यूमन बीइंग, तो ये होते हैं 33। टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्री इन ह्यूमन बीइंग इज 33। इसमें सर्वाइकल वर्टेब्री होते हैं 7, देन आते हैं थोरेसिक वर्टेब्री जो होते हैं 12, देन लुम्बर वर्टेब्री होते हैं 5, सैक्रल होते हैं 5 एंड कोकिक्स होते हैं 4। टोटल होते हैं 33। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी कोकिजियल वर्टेब्री फ्यूज टू फॉर्म कोकिक्स बोन विच इज कॉल्ड टेल बोन। हाउ मेनी कोकिजियल वर्टेब्री फ्यूज टू फॉर्म टेल बोन, तो ये होते हैं 4। 4 कोकिजियल वर्टेब्री फ्यूज टू फॉर्म टेल बोन विच इज कोकिक्स बोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स, एसिड वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सेफोनिफिकेशन वैल्यू। वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स, तो ये होती है आयोडीन वैल्यू। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आयोडीन वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बैगवानाइट्स इज DPP-4 इनहिबिटर्स, पोटेशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स, AMP पोटेशियम एक्टिवेटर, PPAR गामा एक्टिवेटर। ये PPAR गामा एक्टिवेटर होता है पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा एक्टिवेटर। पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा एक्टिवेटर, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बायगोनाइड्स, क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बायगोनाइड्स, तो यह होता है AMP एक्टिवेटर। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। एंड बायगोनाइड्स में आते हैं फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन होते हैं बायगोनाइड्स। देन DPP-4 इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स में कौन से ड्रग आते हैं, तो इनमें आता है सिटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, देन एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, सक्सागलिप्टिन, ये सभी होते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स। ग्लिप्टिन्स वाले जो भी ड्रग होते हैं वो आते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स में, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स में। ठीक है, देने पोटेशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं सल्फोनिल यूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड एनालॉग्स। सल्फोनिल यूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड एनालॉग्स होते हैं पोटेशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स। देन PPAR गामा एक्टिवेटर्स में आते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स। थायोजोलिडिन डायोन्स आते हैं PPAR गामा एक्टिवेटर्स में एंड थायोजोलिडिन डायोन्स में आते हैं पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन। और ये होते हैं पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा एक्टिवेटर, पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस, विच ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस, तो ये होता है फेनफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस। देन विच ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर, तो ये होते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स, पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, जो होते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन हार्ट फेलियर।
देन लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है क्लोरप्रोपामाइड एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है टोलबुटामाइड। शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है टोलबुटामाइड। एंड अभी आप मुझे बताएंगे अगर शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है टोलबुटामाइड तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कौन सा होता है? टोलबुटामाइड होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कौन सा होता है? तो यह होता है नैटेग्लिनाइड। जो मिग्लिटेनाइड एनालॉग होता है नैटेग्लिनाइड वो होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड रिएक्शन टू ए ड्रग प्रोड्यूसिंग स्टीरियोटाइप्ड सिम्टम्स अनरिलेटेड टू इट्स फार्माकोडायनेमिक्स एक्शन इज हाइपर सेंसिटिविटी, सुपर सेंसिटिविटी, इनटॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसी। तो क्या होता है? एन इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड रिएक्शन टू ए ड्रग प्रोड्यूसिंग स्टीरियोटाइप सिम्टम्स अनरिलेटेड टू इट्स फार्माकोडायनेमिक एक्शंस। तो किसका डेफिनेशन है ये? तो ये डेफिनेशन है हाइपर सेंसिटिविटी का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपर सेंसिटिविटी इज इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड रिएक्शन टू ए ड्रग प्रोड्यूसिंग स्टीरियोटाइप सिम्टम्स अनरिलेटेड टू इट्स फार्माकोडायनेमिक एक्शंस। ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी। ये कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन होता है विच इजंट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर दी ओनली ड्रग इफेक्टिव इन टाइप 2, 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर दी ओनली ड्रग इफेक्टिव इन टाइप 2, 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। देन अभी आप मुझे बताएंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कौन सी होती है? तो टाइप 1 में आता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। टाइप 2 में आती है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शंस। टाइप 3 में आती है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस। एंड टाइप 4 में आती है सेल मेडिएटेड रिएक्शंस। ये हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स एंड इनकी एग्जांपल्स भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 होती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, टाइप 2 होती है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शंस, टाइप 3 में आती है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस एंड टाइप 4 में आती है सेल मेडिएटेड रिएक्शंस। ठीक है, देन ये इडियोसिंक्रेसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इडियोसिंक्रेसी? तो इडियोसिंक्रेसी इज अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड होता है इडियोसिंक्रेसी। ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है एंड इट रिक्वायर्स विड्रॉल ऑफ ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन ग्रुप ऑफ एल्केलॉइड इज प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन ग्रुप ऑफ एल्केलॉइड लूसिन, लाइसिन, ऑर्निथिन, टायरोसिन। इनमें से कौन सा है प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन एल्केलॉइड्स? तो ये होता है ऑर्निथिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑर्निथिन इज द प्रीकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स के लिए? तो ये होती है विटाली मोरिन टेस्ट। विटाली मोरिन टेस्ट होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। एंड ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में आते हैं बेलाडोना, धतूरा, डुबोइशिया, स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस। ये होते हैं ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। बेलाडोना, धतूरा, डुबोइशिया, स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस। एंड इनके मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एट्रोपिन, हायोसिन एंड हायोसाइमिन। ये होते हैं मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।